हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस तरह का हाफ स्वेटर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने 2 साल के बच्चे का बनाया हुआ है और आज मैं आपको बताऊंगी कि 3 से 4 साल के बच्चे के लिए कितने फंदे इसमें डाले जाते हैं और ये किस तरह से बनाया जाता है। ये यहाँ से हमारा ये बॉर्डर है, ये देखिए, ये 2 कलर में हमने बनाया हुआ है। और ये डिजाइन्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये डॉट्स वाली डिजाइन है और ये हमारा बी गला है। और ये हमने यहाँ पे ये कंधे जो हैं ये बनाए हैं, इसका ये यहाँ पर बॉर्डर बनाया हुआ है। ये किस तरह से बनाया जाएगा मैं आपको बताऊंगी। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसका सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये बॉर्डर बनाया जाता है। ये हम 2 कलर में ऊन लेंगे और ये किस तरह से बनाया जाएगा और इसमें कितने फंदे रखे जाएंगे ये मैं आपको बता रही हूँ। फ्रेंड्स, ये 3 से 4 साल के बच्चे का मैं आपको हाफ स्वेटर बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ से हमारी ये 0 स्टार्ट होता है, ये निडल हमने यहाँ से ली और हम 80 फंदे इसमें डालेंगे। तो हम ये 0 से जब स्टार्ट करेंगे, ये देखिए, और यहाँ से हम 40 फंदे लेंगे और इस 0 के बाद से फिर हम ये 40 फंदे लेंगे। ये हमारा टूल है और ये हमारा 0 से मैंने ये निडल आगे कर दी है। यहाँ से हमने ये टूल को लगाया और ये देखिए, इस तरह से ये हम निडल्स आगे कर लेंगे। यहाँ हमारा ये 35, 36 और 37 तक हुआ है और फिर हम एक निडल छोड़कर एक निडल आगे करेंगे और फिर एक निडल हमने आगे की, एक आगे एक पीछे है। इस तरह से देखिए, यहाँ पे ये 40 हो गए फंदे और इसी तरह से यहाँ पर हम रखेंगे और यहाँ से भी हम ये 40 फंदे लेंगे। ये सारे नीडल्स एक आगे और एक पीछे है। अब हम ये धागा लेंगे, धागे को हमने इसमें फंसाया। यही पहले हम जो है 8 नंबर पे इसको रखेंगे, जिससे फंदे हमारे ढीले रहेंगे और फंसाने में आसानी रहेगी। ये 8 नंबर पर हमने सेट कर दिया है। फिर हम स्कैरेज को चला रहे हैं, ये हमारे यहाँ से फंदा निकल रहा है। यहाँ इस तरह से इसमें फंसा लेंगे और फिर हमें इस हुक में फंदों को डालेंगे इस तरह से। फिर हमने वेट लगाया, ये धागा हमने इस तरह से फिट किया और हम इधर आएंगे। अब हम वापस इसको 5 नंबर पे सेट कर देंगे। 4:30 या 5 पे बॉर्डर बनता है। मैंने देखिए यहाँ पे सेट कर दिया है और फिर हम यहाँ पर 12 सलाइयाँ बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
और ये दूसरा धागा डाला इस तरह से, और फिर अब यहाँ पे हम ये चार सलाइयाँ फिर बनाएंगे। और अब ये धागा हमने निकाल दिया जिससे हमने पहले बॉर्डर बना रहे हैं, वही धागा लिया हमने, फिर इसमें फंसाया और फिर हम वापस 12 सलाइयाँ हमारी नीचे हो गई, चार ऊपर, तो टोटल हमारी हो गई 16। और फिर अब हम चार सलाइयाँ फिर ऊपर बनाएंगे। अब हम वेट निकाल लेंगे। ये टूल लेंगे
और हुक को यहाँ से हमने निकाल दिया है। पहले हमने 8 नंबर पे इसलिए रखा था, ये जो है होल से हमारे बड़े हो रहे होंगे तो हमें ये फंदे डालने में आसानी रहेगी। अब ये जहाँ पर ये गैप आ रहा है, जो निडल्स हमारी पीछे है निडल, उसमें हम ये डालते जाएंगे। ये देखिए फंदे पीछे वाली निडल में डालते जाएंगे। सारे फंदे हम पीछे वाली निडल में डालेंगे। देखिए सारे फंदे हमने डाल दिए। अब हम रॉड लेंगे, रॉड को हमने इसमें फंसाया, ये हमारा डबल बॉर्डर बन रहा है। वेट लगाया, अब हम इसको वापस जो है 8 नंबर पर सेट कर देंगे, क्योंकि 8 नंबर पर हम स्वेटर बनाते हैं। ये हमने 8 नंबर पर या कैरिज के बटन को सेट कर दिया है और फिर वापस हम आएंगे इसके बाद। ये देखिए इस तरह से ये बॉर्डर तैयार हो गया है। ये देखिए आपका ये बॉर्डर तैयार हो गया है। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऊपर की डिज़ाइन किस तरह से। ये देखिए बॉर्डर आपका तैयार हो गया। अब ये डिज़ाइन, ये डॉट वाली डिज़ाइन किस तरह से डाली जाएगी ये मैं आपको बताऊंगी।